फिलहाल लिटरेचर पार्ट करा देता हूं मैं, ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए जल्दी से। साहित्य, लिटरेचर। लिटरेचर में रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस दोनों पर बातचीत करनी है। रिलीजियस लिटरेचर को थोड़ा सा क्विक करेंगे और टू द पॉइंट लेकर जाएंगे, क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछेगा, कोई मेंस का टॉपिक इसमें नहीं आपका है, ठीक है। तो रिलीजियस लिटरेचर में तीन धर्मों के लिटरेचर को हम यहां पर देख लेते हैं। आगे मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, यहां पर बता दे रहा हूं, आगे इसके बारे में कोई टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा, यहीं पर कराना है, ठीक है। जैसे वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो मैं वेद नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, फिर उसकी सोसाइटी पढ़ा दूंगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में आ सकता है, ठीक है। मेंस के टॉपिक में बहुत सारे वैदिक काल से हैं, तो वो सोसाइटी पढ़ा दूंगा, रिलीजन पढ़ा दूंगा आपको, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा दूंगा, इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा दूंगा, बट वेद और उसके सब पार्ट्स नहीं पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो रिलीजियस लिटरेचर में मुझे तीन पढ़ाना है। पहला तो है ब्राह्मण, ब्राह्मण लिटरेचर। दूसरा है बुद्धिस्ट। एंड थर्ड जैन लिटरेचर। ब्राह्मण, बुद्धिस्ट एंड जैन। ब्राह्मण लिटरेचर बड़ा है थोड़ा सा, जैन लिटरेचर सबसे कम समय में हो जाएगा, कुछ मिनट में हो जाएगा। ब्राह्मण लिटरेचर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ब्राह्मण लिटरेचर, फिर नॉन रिलीजियस पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। वैसे धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य में अंतर क्या है, मतलब पुराण को क्या समझते हैं आप लोग, धार्मिक की गैर धार्मिक? पुराण, 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 पुराण नहीं, पुराण। ब्राह्मण संस्कृत, ब्राह्मण लिटरेचर में पुराण, PURAN। रामायण एंड महाभारत, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बातें चलती हैं कि रिलीजियस ही होगा, यही समझना है। देखिए, जहां पर रिचुअल्स की बात हो, जहां पर किसी देवता के पूजा के लिए कोई मतलब कोई हाइम्स दिया गया हो, मंत्र वगैरह, उसको हम लोग रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। इस बात को थोड़ा बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। ब्राह्मण धर्म में भी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दोनों हैं। जैसे ब्राह्मण धर्म में नॉन रिलीजियस की बात करूं अगर, तो पुराण आ जाएंगे, रामायण महाभारत आ जाएंगे। इसमें कहीं पर भी हाइम्स नहीं है, मंत्र नहीं है, ठीक है। जहां पर मंत्र होगा, जहां पर रिचुअल होगा, ठीक है, मतलब कर्मकांड वगैरह के बारे में जिक्र होगा, वो रिलीजियस लिटरेचर होगा। ये रिलीजियस लिटरेचर नहीं है, स्मृति लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर नहीं है, ठीक है। इसमें कानून की बात बताई गई है स्मृति लिटरेचर में। पुराणों में क्या है, राजा का ऐतिहासिक रूप से राजाओं का वंशावली दिया गया, जीनोलॉजी ऑफ द किंग्स, ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। एंड महाभारत और रामायण में उस समय की समाज, उस समय की जीवन कल्चर, इसके बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया है। कहीं पर भी हाइम्स की चर्चा नहीं है, मतलब मंत्रों की चर्चा उसमें नहीं मिलती, ना ही रिचुअल्स की चर्चा है। तो उस समय के समाज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो इसे गलती से भी कभी इस भाग में क्लासिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको अलग करेंगे और याद रखेंगे, ब्राह्मण में भी धार्मिक गैर धार्मिक है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में, ठीक है। इसके अलावा कॉमन और भी है, जैसे अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस, ये भी नॉन रिलीजियस लिटरेचर है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतिहास के बारे में जिक्र मिलता है। तो ओवरऑल जो है लिटरेचर के पार्ट को हम लोग इस तरीके से बाइफरकेट करके चलेंगे, और वो एक्चुअल डिवीजन होता है इसका है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें ब्राह्मण लिटरेचर। ब्राह्मण लिटरेचर पूरा का पूरा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, इनकी लैंग्वेज संस्कृत है, पूरा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और ब्राह्मण लिटरेचर का जो पार्ट है, बेसिकली देखा जाए तो इसमें सबसे पहले वेद आते हैं, वेद के बाद आपको ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण के बाद आरण्यक आते हैं, आरण्यक के बाद उपनिषद आते हैं, और उपनिषद के बाद जो है वेदांग आते हैं, ठीक है। वेदांत नहीं, वेदांग, वेदांत अलग है, वेदांग अलग है, ये आते हैं। तो पांच पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे, मैं पांचों पार्ट डिस्क्राइब कर दे रहा हूं इसमें। पहला पार्ट होगा इसमें वेदास, सेकेंड पार्ट होगा ब्राह्मण, थर्ड पार्ट होगा इसमें
आरण्यक फोर्थ पार्ट होगा, उपनिषद एंड फिफ्थ पार्ट होगा, ये लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास है, वेदांग। ठीक है, ये पांच पार्ट में आपको पढ़ना है, इनके लिटरेचर को इसी पांच पार्ट में पढ़ना है, इसको बना लेंगे आप लोग। इसमें एक एक लाइन मैं बता देता हूं, इसी के नीचे लिख लेंगे बल्कि। वेदास जो है इसका अर्थ होता है नॉलेज, ठीक है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से निकला हुआ है। विद का मतलब क्या होता है? विद्वान, और विद्वान का मतलब दैट टाइप ऑफ पर्सन हु आर नॉलेजेबल, ठीक है। तो नॉलेज इससे जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण साहित्य के अंदर ब्राह्मण भी आता है, ठीक है। एक्चुअली इस साहित्य को लिखा गया क्योंकि वेद थोड़े कठिन है, पढ़ना कठिन इसको है, ठीक है। वेदों के अर्थ को समझने के लिए सही तरीके से, उसके लिए ब्राह्मण लिखा गया है, ठीक है। यानी इट इज बीइंग रिटन फॉर सिंप्लीफाइंग ब्राह्मण, सिंप्लीफाइंग सॉरी वेदास। अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट, अरण्य का मतलब फॉरेस्ट होता है, ठीक है। एंड उपनिषद का मतलब हाँ टू सिट क्लोज विद द टीचर, गुरु के पास बैठना, टू गेट सर्टेन मिस्टिक नॉलेज, यानी इसको रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब होता है टू सिट क्लोज। एंड वेदांग लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास है, लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास। वेदांग आर द लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास। सभी वेदों से कुछ न कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ के नाम आपको मैं बता दूंगा जिससे ब्राह्मण जुड़े हैं, कुछ का बड़ा महत्व है उसमें, ठीक है, उसको आपको देखना है। तो सबसे पहला हेडिंग करेंगे इसमें वेदास। सबसे फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में ही जाएंगे हम लोग फैक्चुअली, और वेदों का अर्थ मैंने बता दिया आपको है, वेदों को लिखा किसने था वो आप जानते होंगे, चारों वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है वो बता दें आप लोग। All the four Vedas collectively known as, किसी पर्टिकुलर नाम से जाने जाते हैं, All the four Vedas collectively known as। यहां पर एक चीज और बता देता हूं कि इनको जो है वेदांत कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, और वेदांत फिलॉसफी जो है ना, ये कई लोगों के विचारों में मिलेंगे आपको, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य एंड स्वामी विवेकानंद एंड राजा राम मोहन रॉय, ये सब वेदांत वाले हैं, सारे के सारे वेदांत। वेदांत जो है लॉजिक और रीजन पर आधारित फिलॉसफी होती है, ठीक है। ये सोल एंड सुप्रीम सोल की बात करता है, सोल एंड सुप्रीम सोल, आत्मा और परमात्मा, और यज्ञों को बुरा मानता है, ये यज्ञों को कहता है कि इट इज लाइक अ ब्रोकन बोट एंड इट हैज नो मीनिंग, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है, इट इज लाइक ब्रोकन बोट। जैसे यज्ञ होते थे ना ब्राह्मण संस्कृति में, यज्ञ में बलि दी जाती थी, और इसको पूरी तरीके से विरोध किया है इन लोगों ने, उपनिषदों ने। उपनिषद बेसिकली लॉजिक और रीजन पर आधारित किताबें हैं, जो फिलोसफिकल किताबें हैं, जिसमें सोल एंड सुप्रीम सोल की बात की गई है। सोल का मतलब आत्मा और सुप्रीम सोल का मतलब परमात्मा, ठीक है। तो आत्मा परमात्मा की बात की गई है, ठीक है, और इन्हीं पर बहुत सारी फिलोसफीज आगे मिलती है आपको, ठीक है। तो वेदास में चार वेदास हैं, और वेद व्यास ने लिखा था, दोनों लिख लेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, 1 2 3 करके वेदास हेडिंग करें। वेदास फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, इट वॉज कंपोज्ड बाय वेद व्यास, इट वॉज कंपोज्ड बाय
वेद व्यास, इसे वेद व्यास ने संकलित किया था, इसे वेद व्यास ने संकलित किया था, कंपोज्ड बाय वेद व्यास। सेकेंड, इसी में सेकेंड पॉइंट है, ऑल द फोर वेदास कलेक्टिवली नोन एज, हाँ संहिता, ऑल द फोर वेदास कलेक्टिवली नोन एज संहिता, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ऑल द फोर वेदास कलेक्टिवली नोन एज संहिता, चारों वेदों को सम्मिलित रूप में संहिता कहा जाता है। हाँ लिखा संहिता जाता है इंग्लिश में, बट पढ़ा संहिता जाता है उसे, ठीक है, एम शब्द यूज किया जाता है उसके लिए। तो ये दो पॉइंट आपके आने थे। अब चारों वेदों को अलग अलग करेंगे हम लोग, ठीक है, चार वेदास आ गए आपके, चारों वेदों को अलग अलग कर ले, ऋग्वेद पहले लिख लें, हेडिंग कर लेंगे ऋग्वेदा, सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद ही है, और ऋग्वेद के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे हमेशा। इट इज द ओल्डेस्ट वेदा एज यू नो, एंड देर आर 10 मंडल्स इन दिस वेदा, 10 मंडल्स एंड 1028 सुक्तास, ठीक है, हाँ सुक्तास इसको बल्कि कह लेंगे, कुछ हिंदी शब्दों को यूज करना इंग्लिश में बुरा नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली दिल तो हिंदुस्तानी है ना, ठीक है, इतना तो हमें यूज करना ही होगा, ठीक है, और पढ़ाते समय यूज कर सकते, लिखते समय भी यूज कर सकते, देयर इज नो मैटर, ठीक है। अब ये जैसे विष्टि शब्द है वेगार, अब ये सब शब्द इसी तरीके से यूज हुआ है, इसी तरीके से हमें यूज करना पड़ेगा, हम इसे इंग्लिश शब्द को यूज नहीं कर सकते कि वर्क विदाउट पेमेंट, ठीक है, ये हम यूज नहीं कर सकते हैं, वो शब्द ही है उस तरीके का, हमें यूज करना पड़ेगा। तो कुछ शब्दों को हमें वैसे ही यूज करना पड़ेगा जैसे सुप्ताज इसमें है, वैसे यूज करना पड़ेगा। मंडल है तो हम उसे चैप्टर नहीं बना सकते हैं, तो मंडल फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है, इस रूप में। तो ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेदा है, वो लिख लेंगे ना, ओल्डेस्ट वेदा, प्राचीनतम वेद है, ओल्डेस्ट वेदा, देर आर 10 मंडल्स, देर आर 10 मंडल इन दिस वेदा, 10 मंडल इन दिस वेदा, ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2 to 7, 2 to 7 आर ओल्डेस्ट, 2 to 7 आर ओल्डेस्ट। कभी कभी पूछ लेते हैं कि किससे किस, कहां से कहां तक प्राचीनतम है, तो 2 to 7 ओल्डेस्ट मतलब 1 and 8, 9, 10 ये बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है, इट हैज बीन एडेड लेटर, बट 2 से 7 तक ओल्डेस्ट हैं, पुराने हैं, ठीक है। 10 मंडल और 1028 सुक्तास हैं, ये भी लिख लेंगे, देर आर 1028 सुक्तास, 1028 सुक्तास, 1028 सुक्त हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हमें करनी है मंडल वाइज। अच्छा, इसमें जो ब्राह्मण कम्युनिटी इसको रीड करता है उसका नाम पूछेगा आपसे, तीन तरीके के ब्राह्मण कम्युनिटी को आपको जानना होगा, अध्वर्यु, उद्गाता, ठीक है। तो इसमें शब्द थोड़े से ना देखेंगे कि थोड़े कठिन आएंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, एक शब्द आएगा अध्वर्यु, ठीक है, ये ऋग्वेद के लिए है, ठीक है, नहीं ये ऋग्वेद के लिए नहीं है, अध्वर्यु जो है यजुर्वेद के लिए है, और होत्री जो है ऋग्वेद के लिए है, और उद्गाता जो है सामवेद के लिए, तीनों के लिए ब्राह्मण कम्युनिटी है ये, और ये तीनों ब्राह्मण कम्युनिटी अलग अलग वेदों को पढ़ती है, अथर्ववेद के लिए कोई ब्राह्मण कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद थोड़ा अलग है, ठीक है। तो होत्री जो है वो ऋग्वेद के लिए है, अध्वर्यु जो है वो यजुर्वेद के लिए, ये सामवेद के लिए है, ठीक है। तो पहले अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि होत्री, होत्री इज द ब्राह्मण कम्युनिटी, होत्री इज द ब्राह्मण कम्युनिटी हु यूज टू रीड, होत्री इज द ब्राह्मण कम्युनिटी हु यूज टू रीड ऋग्वेदा, होत्री इज द ब्राह्मण कम्युनिटी हु यूज टू रीड ऋग्वेदा, होत्री ब्राह्मण समुदाय था, होत्री ब्राह्मण समुदाय था जो ऋग्वेद को
का अध्ययन करता था, ऋग्वेद का अध्ययन करता था। अब आते हैं मंडल पर। अब यहां से मंडल में कुछ मंडल बताएंगे, सारे मंडल नहीं, सब मंडल जरूरी भी नहीं है। जैसे आपसे पूछ देगा कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, या सती प्रथा किस मंडल में मिलता है, या फिर दशराध युद्ध का वर्णन किस मंडल में है, ठीक है, या फिर पहली बार शुद्ध शब्द की चर्चा किस मंडल में मिलती है, इस तरीके की चीजें पूछेंगे। तो बताएं गायत्री मंत्र पहली बार किस मंडल में, यानी किस मंडल, थर्ड में, किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। किसकी पूजा के लिए लिखा था? सावित्र, सूर्य है, सन ही है वो, सावित्र उनमें नाम आएगा। अगर नहीं आएगा तो सावित्र समझना पड़ेगा ना आपको, सावित्र। एंड क्यों लिखा गया था ये? इट्स पर्पज इज समथिंग डिफरेंट विच हैज बीन रिटन इन द एनसीईआरटी, ठीक है। चार चीजें इसमें है, किसने लिखा था, कहां पाया जाता है, ठीक है, किसके पूजा के लिए लिखा गया, और इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव इज इंटायरली डिफरेंट। उस समय के समाज में जितने भी लोग नॉन आर्यंस थे, जो आर्य नहीं थे, उनको आर्य बनाना उद्देश्य था इसका, इस गायत्री मंत्र का, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा गया था, लिख लेंगे इसको थर्ड मंडल, हेडिंग अलग अलग करके लिखेंगे, तीसरा मंडल, थर्ड मंडल। गायत्री हीमन हाइम्स, गायत्री हाइम्स, गायत्री हाइम्स कंपोज्ड इन दिस मंडल, गायत्री हाइम्स कंपोज्ड इन दिस मंडल बाय गायत्री हाइम्स कंपोज्ड, ये हाइम्स लिखा हुआ ना, गायत्री हाइम्स कंपोज्ड इन दिस मंडल बाय सेंट विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ने इस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा था। गायत्री हाइम्स कंपोज्ड इन दिस मंडल बाय सेंट विश्वामित्र, संत विश्वामित्र ने इस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा था, ठीक है। किस लिए लिखा था, इसी में कंटिन्यू कर लेंगे, इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर लेंगे। इट हैज बीन रिटन, इट हैज बीन कंपोज्ड, लिख लेंगे ना, इट हैज बीन कंपोज्ड टू वॉरशिप सावित्र, इट हैज बीन कंपोज्ड टू वॉरशिप सावित्र सन। इसकी रचना सावित्र की पूजा के लिए की गई थी। इट हैज बीन कंपोज टू वॉरशिप सावित्र सन, इसकी रचना सावित्र की पूजा के लिए की गई थी। इट्स पर्पज, इट्स पर्पज वॉज टू मेक नॉन आर्यंस, सॉरी, इट्स पर्पज वॉज टू कन्वर्ट नॉन आर्यंस इंटू आर्यंस, इट्स पर्पज वॉज टू कन्वर्ट नॉन आर्यंस इंटू आर्यंस। इसका उद्देश्य गैर आर्य को आर्यों में बदलना था। इट्स पर्पज वॉज टू कन्वर्ट नॉन आर्यंस इंटू आर्यंस, ठीक है, यही उद्देश्य के साथ थर्ड मंडल में लिखा गया। इसके बाद आते हैं, एक महत्वपूर्ण मंडल और है, वो है सेवेंथ मंडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ मंडल आर्य, गैर आर्य लोगों को आर्य बनाना उद्देश्य था, ठीक है। दशराग युद्ध सुना है ना इसके बारे में? हाँ, तो दशराग युद्ध की चर्चा इसी मंडल में मिलती है, ठीक है। और दशराग युद्ध क्या है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा जब वैदिक काल कराऊंगा। बस इतना समझ लें कि दस राजाओं का एक संघ बनाया गया था अगेंस्ट द भरत ट्राइब, और भरत ट्राइब ने उन दस राजाओं के संघ को हरा दिया था। और ये युद्ध क्यों हुआ था उस पर भी बात करेंगे, कहां पर हुआ था इसकी भी बात करेंगे, और कौन कौन से लोग लड़ रहे थे उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। सारी चीजें इसमें करेंगे आगे इतिहास में, ठीक है। तो लिख लेंगे, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दशराज्ञ वॉर इन दिस मंडल, दशराज्ञ वॉर इन दिस मंडल, इस मंडल में दशराज्ञ युद्ध की चर्चा है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दशराज्ञ वॉर इन दिस मंडल, इस मंडल में दशराज्ञ युद्ध की चर्चा है, दस राजाओं का युद्ध इसका मतलब है, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक चीज और लिखना है ना,
इसमें वरुण देवता की पूजा भी की गई है, वरुण देवता को कंट्रीब्यूटेड ये मंडल है, लिख लेंगे, दिस मंडल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू गॉड वरुण, दिस मंडल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू गॉड वरुण, यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है, दिस मंडल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू गॉड वरुण, यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। अब नाइन्थ मंडल लिख लें, नाइन्थ मंडल, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मंडल था और इस मंडल में एक देवता के लिए पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट किया गया है और वो है सोम, सोम देवता। सोम एक स्पेसिफिक देवता थे इनके, ठीक है, ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं का जिक्र है लेकिन ये सोम देवता को कंट्रीब्यूट किया गया, ये पूरा का पूरा मंडल सोम देवता के लिए लिखा गया है। एक स्पेसिफिक देवता थे और ये वेजिटेशन के देवता थे, बेसिकली गॉड ऑफ वेजिटेशन एंड गॉड ऑफ हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता के देवता थे और वेजिटेशन के देवता थे, जबकि वरुण किसके देवता थे और हाँ द प्रोटेक्टर ऑफ द रीता, रीता मीन्स मोरलिटी, ठीक है, रितस्य गोपा इनको कहा गया है, द प्रोटेक्टर ऑफ द रीता, RITA, रीता का मतलब होता है मोरलिटी, एंड ये शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि रितस्य गोपा किसे कहा गया, रितस्य गोपा मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ द मोरलिटी, प्रोटेक्टर ऑफ द रीता, ठीक है। तो कुछ शब्दों को भी याद रखना, आगे इतिहास में सारे शब्द आएंगे, इसकी चिंता नहीं करनी, आगे आएंगे। नाइन्थ मंडल सोम देवता को कंट्रीब्यूट किया गया, लिख लेंगे, इट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू गॉड सोम, इट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू गॉड सोम, सोम देवता को समर्पित है, हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू गॉड सोम। एंड टेंथ मंडल, टेंथ मंडल में एक पार्ट जो इसका है पुरुष सूक्त कहा जाता है, ठीक है, इसे क्यों कहा जाता है पुरुष सूक्त, और दूसरा पार्ट इसका है नदी सूक्त कहा जाता है, पुरुष सूक्त एंड नदी सूक्त, ये दो सूक्ताज मिलते हैं इसमें हैं। टेंथ मंडल में पहली बार शूद्र शब्द की चर्चा जिस मंडल में मिलती है वो दसवां मंडल है, पुरुष सूक्त वाला। पुरुष सूक्त का मतलब दे एज्यूम्ड अ ग्रेट मैन, एक महान पुरुष की कल्पना करते हैं, पुरुष सूक्त का मतलब पुरुष, मैन, और महान पुरुष के अलग अलग अंगों से चार वर्णों का जन्म बताया इन्होंने, तो देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर वर्ण सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मंडल, इस मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है, चार वर्ण व्यवस्था का, ठीक है, पहली बार, इससे पहले नहीं। शूद्र शब्द की चर्चा भी पहली बार इसी मंडल में है, इससे पहले नहीं मिलती है, ठीक है, ये दोनों पहली बार मिला है। और सबसे खास बात है कि चारों वर्ण को जो डिवाइड किया गया वो कर्मा के आधार पर किया गया, इट दिस डिस्क्रिप्शन हैज बीन बेस्ड ऑन द कर्मा, कर्म का मतलब है कि जो काम वो कर रहे हैं उसके आधार पर, ठीक है, एंड लेटर इट हैज बीन डिवाइड ऑन द जन्मा, जन्म के आधार पर हो गया, बर्थ के आधार पर। नदी सूक्त में जो मिलता है बेसिकली नदियों के नाम मिलते हैं, उन नदियों के नाम जिन्हें आर्यों ने ऋग्वेद में लिखा है, 25 नदियों के नाम लिखा है इन्होंने, जिस एरिया में रहते थे पंजाब वाले रीजन में उनकी नदियों के नाम है, और जहां से होकर आए थे अफगानिस्तान से उनकी नदियों के नाम यहां पर मिलते हैं, तो अफगानिस्तान की भी नदियों के नाम है, जैसे कुरभा, क्रुमु, सुवास्तु, गोमल, ठीक है, इस तरीके की नदियां अफगानिस्तान की नदियां हैं। तो जिन जिन जगहों से होकर आए ना, जिन जिन नदियों को देखा था उन नदियों के नाम, और जहां पर आकर बस गए, जैसे वितस्ता का नाम लिख दिया इन्होंने, परुष्णी का नाम रख दिया, सिंधु का नाम लिख दिया इन्होंने, इस तरीके से बहुत सारी नदियों के पंजाब के नाम लिखे इन्होंने, तो कुल मिलाकर के बहुत सारी नदियों के नाम है, टोटल 25 रिवर्स के नाम, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन इन दिस वेदा, नदी सूक्त कहा गया उसको है, लिख लेंगे पुरुष सूक्त में पहले, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर वर्ण सिस्टम इन पुरुष सूक्त, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर वर्ण सिस्टम, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर वर्ण सिस्टम इन पुरुष सूक्त, यानी पुरुष सूक्त में चार वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर वर्ण सिस्टम इन पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में चार वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, पूर्व वर्ण सिस्टम।
इसी में भी कंटिन्यू करेंगे. द वर्ड शूद्रा हैज बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम. द वर्ड शूद्रा हैज बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मंडल. द वर्ड शूद्रा हैज बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मंडल. इस मंडल में शूद्र शब्द की चर्चा पहली बार होती है. द वर्ड शूद्रा हैज बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मंडल. इस मंडल में शूद्र शब्द की चर्चा पहली बार हुई है. अब नदी सूक्त पर आ जाएं आप लोग. नदी सूक्त शूद्र शब्द की चर्चा पहली बार नदी सूक्त में लिख लेंगे कि देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 25 रिवर्स इन दिस सूक्त. देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 25 रिवर्स इन दिस सूक्त. इस सूक्त में 25 नदियों के नाम हैं. देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 25 रिवर्स इन दिस सूक्त. कुछ नाम अगर लिखना है तो लिख ले. क्रुभा, क्रुमु, सुवास्तु, गोमल, ये सब अफगानिस्तान की नदियां हैं. वितस्ता, परुष्णी, सतुद्री, विपाशा, असीकनी, सिंधु, ये सब पंजाब की नदियां हैं. नाम मैंने लिख दिया है. आज का नाम आप बता दें इसका. ऋग्वेद के नाम मैंने लिख दिए हैं. आज का नाम आप बता दें. पूछा जाता है ये भी. बताऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं. वेद पढ़ाऊंगा तब, मतलब वैदिक काल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा. अभी सिर्फ पूछ रहा हूं मैं आपसे. वितस्ता कौन सी नदी आज की है? झेलम नदी. परुष्णी, इस नदी किनारे युद्ध हुआ था दशराज्ञ. सतुद्री, सतलुज. विपाशा, व्यास. वितस्ता, असीकनी, चेनाब. हाँ, एक और नदी का जिक्र है और उसे सबसे पवित्र नदी कहा गया है, सरस्वती द्रिजदती. हाँ, हरियाणा से निकलती है, राजस्थान तक जाती है, सबसे पवित्र नदी. ठीक है, ये भी जिक्र उसमें मिलता है. तो पंजाब की नदियों का जिक्र मैंने यहाँ पर कर दिया है. तो 25 नदियों का नाम ऐसे ही मिलता है. कुछ और भी नदियां हैं. ठीक है, गंगा यमुना का भी जिक्र है. गंगा यमुना सरयू सबका भी जिक्र मिलता है इसमें है. गंगा यमुना का एक एक बार मिलता है सिर्फ जिक्र. हाँ, तो इस तरीके के नाम मिलते हैं. इसका मतलब है दे नेवर फ्रीक्वेंटली विजिटेड टू द गंगा एंड यमुना. दैट्स व्हाई इसका नाम सबसे अधिक मिलता है सिंधु का. सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता था ऋग्वेदिक काल की. कितनी बार जिक्र मिलता है इसका है ऋग्वेद में? सिंधु नदी का जिक्र कितनी बार है ऋग्वेद में? अब देखे कि यही सब फालतू के बकवास वाले क्वेश्चन पूछेंगे, क्या करेंगे आप? होता है, क्या करेंगे? आए तो आए, ना आए तो ना. नेगेटिव है क्या? नेगेटिव नहीं है ना. चलिए, फंस गए, बच गए, बिहार में फंस गए. यूपी और यूपीएससी वाले और यूपी वाले भी फंस गए. अभी झारखंड में बचे हुए हैं. ठीक है, गेस करने का प्रॉपर ऑप्शन आपके पास है. कहने का मतलब है गेस कर सकते इस पर है. 250 टाइम्स, 250 बार इसका जिक्र मिलता है इंडस रिवर का, सिंधु नदी का, ऋग्वेद में. इसी तरीके से नाम है, बहुत सारी चीजें आएंगी आगे. तो 10 मंडल आपके हो गए हैं, 10वां मंडल. अब आते हैं अगला वेद. अगला वेद यजुर्वेद. अच्छा, ये तो मैंने लिखाया ही नहीं ना इसमें कि ऋग्वेद है किसके बारे में, ऋग्वेद में क्या मिलता है. अगर ये पूछ दे तो यजुर्वेद में क्या मिलता है बताने जा रहा हूं, लेकिन ऋग्वेद में क्या मिलता है इसको लिखा देता हूं. बताएं तो क्या है इसमें? वैसे इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स फॉर द वॉरशिप ऑफ गॉड्स. ठीक है, ये लिख लेंगे.
इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स फॉर द वॉरशिप ऑफ गॉड्स. इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स फॉर द वॉरशिप ऑफ गॉड्स. ऋग्वेद के बारे में बता रहा हूं ना, यानी ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है देवताओं की पूजा के लिए. कलेक्शन ऑफ हाइम्स फॉर द वॉरशिप ऑफ गॉड्स हैज बीन फाउंड इन ऋग्वेदा.